भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन चली है। यह ट्रेन बुधवार को पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी के नीचे से होकर कोलकाता से हावड़ा पहुंची। मेट्रो रेल के GMP उदय कुमार रेड्डी ने इस ट्रेन में महाकरण से हावड़ा मैदान के बीच सफर किया। ट्रेन ने दिन में 11:55 पर हुगली नदी को पार किया। हावड़ा पहुंचने पर ट्रेन की पूजा की गई। कोलकाता में जिस अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया वह हुगली नदी के पूर्वी तट पर एस्प्लेनेड और पश्चिमी तट पर हावड़ा मैदान को जोड़ती है। हावड़ा मेट्रो स्टेशन जमीन से 33 मीटर नीचे है। यह देश का सबसे गहरा मेट्रो स्टेशन है। हुगली नदी के नीचे 520 मीटर की जुड़वा सुरंग में बनाई यह अंडरवाटर ट्रेन का ट्रैक 4.8 किलोमीटर लंबा है। इस मेट्रो की सुरंग को बनाने में करीब 120 करोड़ रुपए का खर्च आया है। इस पर बीते एक साल से काम चल रहा था। कोलकाता मेट्रो रेल कॉरपोरेशन सियालदह से एस्प्लेनेड के बीच 2.5 किलोमीटर के ट्रैक का काम पूरा होने का इंतजार कर रहा है। इसके बाद ही इस पर रेगुलर ट्रेन की शुरुआत हो जाएगी।